जांजगीर चांपा जिले में पुलिस की डायल 112 की गाड़ी का इस्तेमाल निजी दुश्मनी भुनाने के लिए किया गया है। बताया जा रहा है कि डायल 112 की गाड़ी में सवार होकर आए पिता और दो पुत्रों ने एक महिला और उसके बच्चों के साथ जमकर मारपीट की। पीड़िता ने शिवजी नारायण थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस आईपीसी की धारा 294, 506, 323, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार शिवजी नारायण थाना क्षेत्र के राहुल नगर के वार्ड संख्या 12 में रहने वाली अनिता पांडे पति मिथिलेश पांडे ने रिपोर्ट दर्ज करवाया कि पुलिस की डायल 112 में सवार होकर आए रमेश गुप्ता और उनके पुत्र सौरभ गुप्ता एवं शुभम गुप्ता व अन्य व्यक्ति के द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर अश्लील गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए डंडा और बेल्ट से मारपीट की गई। उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि घटना के वक्त मैं और मेरे बहू व बेटी घर में मौजूद थे। पुराने विवाद को लेकर मेरे बेटे राहुल पांडे एवं पुत्री रागनी पांडे को घर से बाहर निकलने पर तीनों बाप बेटे और उनके साथ आए लोगों ने मारपीट की, जिसकी वजह से उन्हें काफी चोटें आई। घटना 20 जनवरी की दोपहर 2:30 बजे की है। इस मामले में शिवजी नारायण थाने में पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी रमेश गुप्ता और उनके पुत्र सौरभ गुप्ता एवं शुभम गुप्ता पर आईपीसी की धारा 294, 506, 323, 34 के तहत अपराध पंजीकृत कर लिया गया है। इस मामले में गुप्ता परिवार के हमले का शिकार होने वाले पीड़ित राहुल पांडे ने बताया कि गुप्ता परिवार के एक सदस्य पर उसकी बहन से छेड़छाड़ का मामला 4 साल पहले शिवजी नारायण थाने में दर्ज करवाया गया था, जो कि अभी न्यायालय में लंबित है। गुप्ता परिवार उसी मामले को वापस लेने का दबाव उनके परिवार पर बना रहा है। उनकी बात नहीं मानने पर अब डराने धमकाने और मारपीट का सहारा लिया जा रहा है। इस मामले में डीएसपी चंद्रशेखर परमा ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और कार्रवाई की जाएगी। थाना शिवजी नारायण के अंतर्गत है। प्रकरण में राहुल पांडे और रमेश गुप्ता के बीच पूर्व में विवाद चल रहा था। इसी बीच में राहुल पांडे के विरुद्ध रमेश गुप्ता के द्वारा डायल वन द्वारा कॉल किया गया और जिसमें से डायल वन टू गई थी और डायल वन जैसे ही गई थी वहां पर राहुल पांडे के द्वारा डायल वन टू को कि पुलिस के अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है इस पर आरोप करके वहाँ पर मारपीट किया गया और गाली गलौज किया गया है। और दूसरे तथ्य ये भी आ रहे थे कि अनावेदक पक्षों के द्वारा कि डायल वन टू के द्वारा इस पर मारपीट की गई है। दोनों पक्षों में जांच की जा रही है और जो भी इस पर कसूर होंगे उन पर कार्रवाई की जाएंगी। इन दोनों के विरुद्ध मामला अपराध काउंटर केस अपराध पंजीबद्ध किया जा चुका है और मामले की जांच कर रहे हैं। मामले में जो भी दोष और तथ्य आएंगे उस पर विभागीय कार्रवाई होगी। कौन गांव के? पूर्णिमा पांडे राहुत के। का हुई बतावा? मैं बच्चल सुहात रहे मोर के द्वा, तब मोर पति ला मन ना के तीरत ले के मारत रही से, तो हमन छोड़ा गए तो हमन ला ओकर बेटा सुभा मा वो सौरभ दोनों वो दोनों मिल के मारत रही नहीं मतलब तीन चार झिन लड़का रखे रही से, तब मारत रही तो छोड़ात रहे तो हम मारी से कैसे बेल्टा माँ डंडा माँ हाथ माँ और थाना गए तो पुलिस मन कोई कार्रवाई ही नहीं करा थे। हाँ 112 में 10-12 झिन लेके आए से 112 वाला और धमकी दे थे ऊपर ले हम ही मान ला और कुछ कार्रवाई ही करा थे कुछ हुआ। मैं राहुल के आदमी हूँ, नगर पंचायत राहुल राहुल पांडे पिता मिथिलेश पांडे। क्या घटना था? 17/1/21 को छेड़छेड़ा मिले देखना जा रहा था मैं। उसी वक्त मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद हम लोग उसके परिवार वाले लेके आए वापस। हम लोग मेला भी देखने नहीं गए, वहीं से वापस आ रहे थे। तभी रमेश गुप्ता सौरभ गुप्ता शुभम गुप्ता उसके साथ अन्य 7-8 लोग थे। उन लोगों ने मेरे दोस्त अमित यादव को पहले मारपीट किया, उसके बाद मेरे को उसके बाद गाली गलौज की हो माँ बहन के कह के, अब पता नहीं कौन क्या कारण पता नहीं। उसके बाद हम लोग सीधा थाना गए थे, थाना में मुलाजा करवाए तो मुलाजा करवाने के बाद फिर एसपी ऑफिस गए थे। एसपी ऑफिस से आने के बाद यहीं पर मैं बैठा था फिर परसों, कौन सा तारीख रही से दो दिन पहले परसों। तो सौरभ गुप्ता उसके साथ दो आदमी और आए,
मोटरसाइकिल में था, यहीं पर बैठा था, मारपीट करते हुए वहाँ महामाया मंदिर के पास ले गए थे मेरे को। उसके बाद 112 में रमेश गुप्ता और अन्य 5-6 आदमी आए थे, उसके बाद मारपीट किए हैं, गाली गलौज किए हैं, माँ बहन को, मेरी बहन को भी लात पेट में लात मारे हैं। ये परसों हाँ। कितना बजे समय है? परसों 2:30 बजे करीब, रात में नहीं दोपहर को। दोपहर हाँ। 112 वाला कहाँ का है? 112 सूर्यांश से। उसमें आने वाले सभी पुलिस